नया संसद भवन काफी समय बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसके सुर्खियों में आने की वजह है AIUDF के अध्यक्ष बद्रुद्दीन अजमल का दावा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट चीफ और असम के जमीयत उलेमा प्रमुख मौलाना बद्रुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि नया संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है। सरकार वक्फ की जमीन हड़पना चाहती है। बद्रुद्दीन ने और भी कुछ ऐसा बयान दिया कि उस पर नया सियासी तूफान छिड़ गया है। इस पूरी बयानबाजी को लेकर हैरानी की बात यह भी रही कि इसी संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाना है। बिल्कुल है, लैंड में है, बिल्कुल पार्लियामेंट, यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट, आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे, उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है, कि बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आपने बड़ा आप दावा क्या है? आपने बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए इंटरनेट में तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। बद्रुद्दीन अजमल के पूरे बयान को बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करार दिया है।